वेलकम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह प्ले स्टोर से व्हाट्सएप बीटा वर्जन आप कैसे डाउनलोड करेंगे। क्योंकि हम जब नॉर्मली प्ले स्टोर पर आ जाते हैं और यहां पर हम सर्च कर लेते हैं व्हाट्सएप और मैं यहां पर टैप कर लूं तो मेरे पास सिर्फ नॉर्मल जो व्हाट्सएप है जो कि पब्लिक वर्जन कहलाता है वही अवेलेबल होता है। और अगर मैं यहां पर स्क्रॉल कर लूं, नीचे आ जाऊं थोड़ा सा, ये मैं स्क्रॉल कर लेता हूं तो यहां पर मुझे शो हो रहा है बीटा प्रोग्राम इज़ फुल, यानी मैं इसका व्हाट्सएप का बीटा वर्जन डाउनलोड नहीं कर सकता। अब बीटा वर्जन डाउनलोड करने का फ़ायदा क्या है? असल में जो बीटा वर्जन होता है वो टेस्टिंग वर्जन होता है, तो जब भी व्हाट्सएप कोई अपडेट लाता है तो सबसे पहले आपको वो बीटा वर्जन में अवेलेबल होता है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपको व्हाट्सएप के अपडेट का बताया जाता है, और जब आप आते हैं व्हाट्सएप पर अपने फ़ोन पर तो वो अपडेट तरह से आपके फ़ोन पर अवेलेबल ही नहीं होती। तो असल वजह क्या होती है, जो वीडियो में आपको बताया जाता है तो असल में उस कंटेंट क्रिएटर के पास व्हाट्सएप की बीटा वर्जन होती है, तो उसके पास व्हाट्सएप की अपडेट पहले आ जाती है। और आप लोगों के पास व्हाट्सएप का नॉर्मल पब्लिक वर्जन होता है तो आपके पास वो काफ़ी लेट आ जाता है, जब वो जो अपडेट है वो फाइनल हो जाए और सारे टेस्ट वो पास कर सके तभी पब्लिक वर्जन में अवेलेबल होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह बीटा टेस्टर बन सकते हैं और आप किस तरह व्हाट्सएप बीटा वर्जन प्ले स्टोर से आप किस तरह डाउनलोड करेंगे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर व्हाट्सएप बीटा भी लिख लूँ लेट सपोज, तो भी मेरे पास ये व्हाट्सएप बीटा वर्जन अवेलेबल नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम किस तरह प्ले स्टोर से व्हाट्सएप बीटा वर्जन किस तरह हम लोग डाउनलोड करेंगे। तो ये हम किस तरह करेंगे ये आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। सो स्टे विद मी, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके व्यूअर्स, तो सबसे पहले आप लोगों को चाहिए होगा जीमेल की एक आईडी, और उस जीमेल की आईडी से आप लोगों ने लॉगिन हो जाना है यहाँ प्ले स्टोर से। ये मेरे पास एक डेमो आईडी है, ये आप देख सकते हैं। या मैं अगर यहाँ लेफ्ट टॉप पर ये थ्री लाइन्स पर टैप कर लूँ, अकाउंट पर आ जाऊँ तो भी मेरे पास यही आईडी है, ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद सेम आईडी आप लोगों ने क्या करना है, आ जाना है गूगल क्रोम में, और यहाँ पर भी आप लोगों ने क्या करना है यही आईडी से लॉगिन हो जाना है। अगर राइट ऊपर मैं अपने आइकन पर क्लिक करूँ तो सेम वही आईडी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ सर्च बार में आके आप लोगों ने लिखना है व्हाट्सएप। यहाँ हम लिख लेते हैं व्हाट्सएप, सही है जी, बीटा और उसके बाद टेस्टर, ठीक है जी, ये आप लोगों ने लिख लेना है। उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है, स्क्रॉल कर लेना है, और ये जो लिंक है व्हाट्सएप बीटा गूगल प्ले, यहाँ पर आप लोगों ने टैप कर लेना है। यहाँ पर टैप करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये पेज लोड हो जाए। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जब आप लोग आ जाएँ तो आप लोगों ने जो आपका पेज है ये आप लोगों ने रिफ्रेश कर लेना है, और उसके पहले आप लोगों ने देखना है कि आप लोग पास यहाँ पर यही आईडी लॉगिन है, सही है जी। तो हाँ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग रिफ्रेश करेंगे, और रिफ्रेश करने से ही आपको ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रिफ्रेश करते रहते हैं 5 to 10 times, या कभी कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो यहाँ पर हम ट्राई कर लेते हैं। ओके जी, यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ ट्राई के बाद यहाँ पास मेरे पास आ गया बिकम अ टेस्टर। तो यहाँ पर आप लोगों ने टैप कर लेना है, और टैप करने के बाद आप लोगों को शो रहा है वेलकम टू द टेस्टिंग प्रोग्राम, यू आर नाउ अ टेस्टर। और यहाँ पर शो रहा है यू विल रिसीव एन अपडेट टू द व्हाट्सएप मैसेंजर ऐप इफ यू हैव ऑलरेडी हैव इट इंस्टॉल ऑन योर डिवाइस। तो कभी कभी ये जो बीटा अपडेट है ये कुछ देर बाद आप लोगों को मिलता है, लेकिन हम लोग पहले देखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि आप यहाँ पर सक्सेसफुली जो आप बीटा टेस्टर हैं वो आप बन चुके हैं और आप बीटा प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। यहाँ नीचे आप लीव द प्रोग्राम भी कर सकते हैं। यहाँ जब हम आ गए तो हम लोगों ने रिफ्रेश किया, कुछ आई थिंक 5 to 10 times लगे होंगे, और आप लोगों को ये पेज अवेलेबल हो जाता है, सही है जी। अब हम लोग आ जाते हैं दोबारा प्ले स्टोर पर, यहाँ पर प्ले स्टोर पर आ जाते हैं, और यहाँ पर वही आईडी है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं अगर सर्च कर लूँ तो देखते हैं कि अभी हमारे पास अपडेट अवेलेबल हो चुकी है या नहीं। वेट कर लेते हैं अभी कि हमारे पास जो बीटा वर्जन का अपडेट है वो हमें रिसीव हो जाए। तो प्ले स्टोर पर दोबारा आ जाते हैं और सर्च कर लेते हैं व्हाट्सएप
सही है जी, बीटा वर्जन आप लिख लें या व्हाट्सअप सिंपल लिख लें। ओके जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास व्हाट्सअप मैसेंजर बीटा वर्जन अवेलेबल हो गया है। पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ आपकी तसल्ली के लिए कि यहाँ से ये मेरी वही आईडी है, सही है जी, और लेफ्ट से भी मैं ये अकाउंट पे आ जाऊँ और आपको अपनी आईडी दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं वही आईडी है। तो पहले जो व्हाट्सअप मुझे अवेलेबल नहीं था बीटा वर्जन, वो अब मुझे अवेलेबल है। यहाँ पर मैं लिख लूँ व्हाट्सअप बीटा वर्जन, यहाँ पर आ जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे अपडेट मिल चुकी है, जो कि यहाँ पर मुझे बताया जा रहा था कि आप लोगों ने वेट करना है। ये क्रोम पर आ जाते हैं, ये नोट में आप देख सकते हैं, इट कैन टेक अ वाइल फॉर यू टू रिसीव द अपडेट। सही है जी, तो हमें अपडेट मिल चुकी है, अब यहाँ से हम इसे अपडेट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास व्हाट्सएप बीटा वर्जन इंस्टॉल हो गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप हमारे पास ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं एग्री एंड कंटिन्यू कर लेना है, यहाँ से हम कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर मैं दे देता हूँ कोई भी आईडी। लेट सपोज यहाँ पर मैं देता हूँ अपनी आईडी, सही है जी, ये मैंने दे दी। उसके बाद हम नेक्स्ट कर लेते हैं और कोड का वेट कर लेते हैं कि हमें कोड रिसीव हो जाए। ओके कर लेते हैं, कॉल मी पे आ जाते हैं। ओके जी, नॉट नाउ कर लिया मैंने, यहाँ पर मैंने अब्बास खान दे दिया, सही है जी, नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं अब फ़ायदा क्या होता है बीटा वर्जन का। नॉर्मली यहाँ पर मैं एक्सेस कर लेता हूँ अपने कॉन्टैक्ट्स को, यहाँ पर आपके पास ये क्यूआर कोड आ जाता है। यहाँ पर अगर हम चले जाए सेटिंग्स पर तो आप देख सकते हैं आपके पास बीटा वर्जन में ये क्यूआर कोड अवेलेबल हो जाता है, सही है जी। उसके बाद अगर यहाँ पर हम आ जाए मैसेंजर में और इस यहाँ पर किसके साथ आप चैट कर रहे हैं, तो जब आप अटैचमेंट पर आ जाते हैं तो यहाँ पर ये जो रूम का ऑप्शन है ये भी आपको अवेलेबल हो जाता है बीटा वर्जन में, जो कि आपके पास पब्लिक वर्जन में अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने सक्सेसफुली बीटा वर्जन इंस्टॉल कर लिया व्हाट्सअप का, और बावजूद इसके कि हमारे पास बीटा प्रोग्राम फुल का जो ऑप्शन था वो आ रहा था प्ले स्टोर पर, उसके बावजूद हमने सक्सेसफुली व्हाट्सएप का बीटा वर्जन ज्वाइन किया और हम सक्सेसफुली बीटा टेस्टर बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दे लाइक, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप फ्यूचर में इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिस ना कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।